चंडीगढ़ निगम हाउस में गौमाता पर हंगामा, कांग्रेसी पार्षद उठा रहे गायों की दुर्दशा का मुद्दा, एजेंडों से पहले बहस। आज चंडीगढ़ नगर निगम की जनरल हाउस मीटिंग की शुरुआत में ही गायों की स्थिति के मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों ने बहस छेड़ दी। कांग्रेसी पार्षद गुरप्रीत सिंह ने कहा कि शहर में गौमाता की हालात खराब है, लंपी स्किन की बीमारी से कई राज्यों में गाय बीमार हो रही है, वहीं चंडीगढ़ में भी गायों की हालत खराब है। ऐसे में मांग की गयी कि निगम शहर में गायों की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई करें। इस पर निगम कमिश्नर ने कहा कि उनकी गौशाला में गायों को बीमारी से बचाने के लिए उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण पेश करते हुए कहा कि एक बीमार गाय को उन्होंने रेस्क्यू किया जो तड़प रही थी। निगम कमिश्नर अंदिता मित्रा ने कहा कि उनकी गौशाला में 92 गायें हैं, कि उनकी गौशाला में 92 गायें प्रभावित हैं, इनमें से 52 गायें रिकवर कर रही हैं। बीटाडीन लगाकर उन्हें बांध दिया जाता है। वही बताया गया कि उनकी वैक्सीनेशन भी की जा रही है। कमिश्नर ने साफ किया कि शहर की सभी गायों को निगम नहीं देख सकता, कई पड़ोसी राज्यों के जिलों से भी गाय शहर में दाखिल हो जाती है। कमिश्नर ने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री बिल के साथ दिशा में काम कर रहे हैं। भाजपा पार्षद कंवर राणा ने कहा कि गायों के इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।